ओके बच्चों, आज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में आगे ये लास्ट टेस्ट है। लास्ट तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये लास्ट टेस्ट है। दिस इज नोन एज डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, है ना? व्हाट? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम दिस कोसी रूट टेस्ट से कोशिश करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, या कंपैरिजन टेस्ट से करते हैं तो मुश्किल होती है, और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को अगर अपन डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से करते हैं तो बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, इसके बाद बात करते हैं, राइट? ठीक है, ओके। स्टेटमेंट में वही है कि लेट दिस समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, राइट? मान लिया पढ़ने की समेशन यू एन क्या है, एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ओके। देन दिस समेशन यू एन, यू एन फर्स्ट पॉइंट डाल के इज कन्वर्जेंट, इज वॉट? कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज लेस देन वन। ये थोड़ा इस पर ध्यान रखना, स्पेशली यू एन प्लस वन, या तो मैं ऐसा लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यू एन प्लस वन मतलब होता है सम ऑफ एनथ टर्म, सॉरी सम ऑफ एनथ टर्म गलत बोल दिया, एन प्लस वनथ टर्म, एन प्लस वनथ टर्म, और यू एन क्या होता है? एनथ टर्म। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे, है ना? अभी फिलहाल कितना क्या बोल रहा हूँ कि दिस यू एन प्लस वन, राइट, अपॉन यू एन की वैल्यू लिमिट लेने पर वन से छोटी हो जाए तो सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट? ओके, सेकेंड पॉइंट में इज डाइवर्जेंट, व्हाट इज डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट इफ दिस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। एंड थर्ड में है, थर्ड में है टेस्ट फेल, व्हाट? दिस टेस्ट फेल्स इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट दिस यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू वन। मतलब ये डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी फेल हो जाता है अगर वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल टू वन हो जाए, है ना? बच्चों दो मिनट लूंगा मैं ये तुमको समझाने के लिए कि ये एन प्लस वन टर्म का क्या मतलब है, राइट? सपोज करो, मान लो कोई भी एक सीरीज, जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज बोल दिया एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट से वट एवर दिस एन स्क्वायर प्लस थ्री, राइट? ये कोई एक सीरीज है, तो इसको, इस सीरीज के लिए मेरे पास nth टर्म क्या है? अभी एन स्क्वायर प्लस थ्री है। इस सीरीज का जो nth टर्म है अभी मेरे पास, वो क्या है? एन प्लस थ्री है। तो किसी ने बोला कि भैया इस सीरीज का एन प्लस वनथ टर्म क्या होगा, राइट? इस सीरीज का एन प्लस वनथ टर्म क्या होगा? तो सिंपली इसका एन प्लस वनथ टर्म मतलब कुछ भी नहीं, एन की जगह पे एन प्लस वन को रिप्लेस कर देना है आपको। एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना बच्चों? एन प्लस वन रिप्लेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी वॉट? एन प्लस वनथ टर्म। अब ये अलग बात है कि इसको हम और फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल एन प्लस वनथ टर्म का मतलब केवल ये होता है बच्चों, क्लियर है, राइट? तो नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, क्लियर है? ध्यान से देख लेना, इसका स्टेटमेंट है ना? ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन फर्स्ट में टेस्ट द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है वन प्लस टू रेस टू दी पावर पी अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थ्री रेस टू दी पावर पी अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर रेस टू दी पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, राइट? हमें इस सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करना है कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ओके, क्लियर है बच्चों?
ठीक है, तो सॉल्यूशन में लेट अस टॉक अबाउट nth टर्म। तो अभी तो अपन ने इतना सारा डिस्कशन किया है ना, इतने सारे लेक्चर्स अपन ने ले लिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों इसका nth टर्म क्या होना चाहिए, राइट? बताओ आप थोड़ा सा nth टर्म। तो मैंने बोला था nth टर्म देखने के लिए सीरीज को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। वन है यहाँ पे, ठीक है, तो वन में तो कुछ भी पावर ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये वन लिखूँ मैं या वन की पावर पी अपान वन फैक्टोरियल लिख दूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये टू रेस टू द पावर पी अपान टू फैक्टोरियल, थ्री रेस टू द पावर पी अपान थ्री फैक्टोरियल, इट मीन्स वॉट? मैं अगर nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज एन रेस टू द पावर पी अपान एन फैक्टोरियल। रुका हूँ, ध्यान से देख लो, राइट? nth टर्म क्या हो जाएगा, एन रेस टू द पावर पी अपान एन फैक्टोरियल, क्योंकि जो वैल्यू में पावर है उसी का फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे दिया, राइट? और मैंने तुमको बताया था कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन कभी भी लिखा जाए उसका nth टर्म हमेशा क्या होता है, n होता है। प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना आप, राइट? और है ना, तो n ऊपर हो जाएगा तो n की पावर p अपन n फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों? दिस सिंपली इंप्लाइज व्हाट, यू एन प्लस वन। इसका सीधा सा मतलब है कि यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, तो यू एन प्लस वन हियर विल बी n प्लस वन होल रेस टू दी पावर p डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है? क्या बोला मैंने, यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, अभी जस्ट तुमको बताया दो मिनट पहले कि यू एन प्लस वन टर्म मतलब क्या, एन की जगह पे एन प्लस वन को रिप्लेस कर देते हैं। तो हियर एन प्लस वन टर्म इक्वल टू कितना, एन प्लस वन रेस टू द पावर पी है ना, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन प्लस वन, ठीक है बच्चों? ओके, तो अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमारी लिमिट निकालेंगे। लिमिट किसकी निकालेंगे, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की, राइट? ओके, सो अगेन दिस इम्प्लाइज यू एन प्लस वन अपान यू एन, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर लिमिट निकालेंगे। तो यू एन प्लस वन अपान यू एन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो दिस विल बी एन प्लस वन रेस टू द पावर पी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय बोलो या मल्टीप्लाई बाय, उल्टा इसका कितना, एन फैक्टोरियल अपान एन रेस टू दी पावर पी। तुमको पता है ना, ए अपान बी डिवाइडेड बाय सी अपान डी कैन बी रिटन एज ए अपान बी इंटू डी अपान सी, ओके, उस कॉन्सेप्ट से मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है? छोटी बात है लेकिन मैंने बता दिया, क्लियर है बच्चों, राइट? तो मैंने क्या किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दूसरे शब्दों में दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका उल्टा, ओके, एन रेस टू दी पावर पी, ठीक है बच्चों? ध्यान से देख लो आप, ठीक है, राइट? ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, है ना, लिमिट तो बाद में रखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस अगेन कैन बी रिटर्न व्हाट, एन प्लस वन अपान एन होल रेस टू द पावर पी, इसको और इसको साथ में लिख लिया तो ये होल रेस टू द पावर पी, ठीक है, इंटू व्हाट, एन फैक्टोरियल लिखा रहा दो, और एन प्लस वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो दिस इज एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, है ना, राइट? ध्यान से देख लो, है ना, ये फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, एन प्लस वन फैक्टोरियल को टू एन प्लस वन, राइट? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो पूरा कितना बचेगा, एन प्लस वन अपान एन रेस टू द पावर पी इंटू दिस वन अपान एन प्लस वन, वन अपान व्हाट, एन प्लस वन। मेक दिस वेरी क्लियर टू यू बच्चों, राइट? ओके, आगे बात करो, थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये फिर से वन प्लस वन अपान एन रेस टू द पावर पी इंटू वन अपान एन प्लस वन, ये टोटल वैल्यू किसकी हो गई, दिस इज ऑफ वैल्यू यू एन प्लस वन अपान यू एन, राइट? ये पूरा रिजल्ट किसका हो गया, ये है ना, ये पूरी वैल्यू इसकी हो गई यू एन प्लस वन अपान यू एन की। सो अगेन वॉट अबाउट दिस लिमिट, अब अगर अपन लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, सो अगेन अबाउट व्हाट दिस लिमिट, तो दिस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू क्या, सिंपली दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट? पूरा सिंप्लीफाई मैंने करके रखा है, वन प्लस वन अपान एन रेस टू द पावर पी इंटू वन अपान व्हाट, एन प्लस वन, ये तो वन हो जाएगा,
क्योंकि पावर पी है, ई वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, वन अपान इन्फानाइट जीरो हो जाएगा, वन रेस्ट टू द पावर पी वन, और इंटू ये क्या हो जाएगा, वन अपान इन्फानाइट, वन अपान इन्फानाइट क्या होता है जीरो, टोटल रिजल्ट कितना आ गया जीरो, जीरो क्या है, दिस इज सिंपली लेस देन वन। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है मेरा, फाइनल कंक्लूजन है कि दिस इम्प्लाइज सिंपली लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन राइट इज लेस देन वन। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन क्या हो गया, लेस देन वन आ गया। हेंस बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट गिवन सीरीज इज व्हाट कन्वर्जेंट, एज सिंपल राइट, बहुत सिंपल है ये, सिंपली जैसे अपन कॉची रूट टेस्ट में है ना यू एन रेस्ट टू द पावर वन अपान एन करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यू एन प्लस वन अपान यू एन करेंगे, और यू एन प्लस वन से तुम बेटर फैमिलियर हो है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लो बच्चों। ओके क्लियर है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन स्क्वायर रूट ऑफ टू रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखना क्या लिख दिया, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन स्क्वायर रूट ऑफ टू रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन, है ना, इसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब ये बट ऑबियस है समेशन में, है ना, कि एन इक्वल टू वन टू इन्फानाइट होता है, ठीक है राइट क्लियर है, ओके बच्चों ध्यान से, ठीक है राइट। सो सी द सॉल्यूशन में हियर वी आर गिवन एनथ टर्म यू एन इक्वल टू कितना दिया बच्चों, आराम से स्क्वायर रूट ऑफ पूरा कितना, टू रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो आप बताओ मुझे कि ये दिस यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, यू एन प्लस वन मीन्स वॉट, सिंपली रिप्लेस एन प्लस वन इन प्लेस ऑफ एन, है ना, इन द यू एन ऑफ द सीरीज राइट, एन एथ टर्म जो भी है उसमें एन की जगह पे एन प्लस वन रिप्लेस कर देंगे राइट तो क्या मिलेगा मेरे को, दिस सिंपली इम्प्लाइज टू रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, है ना, कुछ भी स्पेशल नहीं, एन की जगह पे एन प्लस वन को रिप्लेस कर दिया है राइट। ओके सो नाउ व्हाट अबाउट दिस यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो अब यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, सो दिस सिंपली इंप्लाइज हियर नाउ अगेन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस व्हाट, टू रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, मैं हमेशा उल्टा कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, डिवाइड करना है लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, सामने वाले का रेसिप्रोकल उल्टा, तो क्या हो जाएगा इंटू दिस थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रेस टू द पावर एन माइनस वन। ओके तुमको ये बात पता है, 100% पता होगी, रूट ए इंटू रूट बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू बी, है ना, देख लेना, रूट ए इंटू रूट बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू बी राइट। सो उस फार्मूले से क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा टू रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस थ्री रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन इंटू वॉट टू रेस टू द पावर एन माइनस वन। ये टोटल किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, है ना, आराम से कैलकुलेट करना। ओके और इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मान लो, देखो एक सीधा सा फंडा है ना कैलकुलेट करने का, कभी गलती नहीं होगी, अगर कभी भी मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट की बात करता हूँ बच्चों, तो
जो भी एक्सप्रेशन हो वो अपान एन के फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एन लिखने की कोशिश करना, तो अपने आप रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन अपान इन्फाइनाइट, वन अपान इन्फाइनाइट हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी है ना, कभी भी अपन स्ट्रक हो गए, कभी रुक गए, तो उस समय अपने को ये कॉन्सेप्ट बहुत मदद करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये छोटी चीज़ बहुत मदद करेगी। तो मैं इसको मैं भी क्या करता हूँ, सेम अपान में लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आराम से यहाँ से अगर मैं 2^n बाहर निकालता हूँ, ठीक है, देखो इधर, तो 2^n बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, ये 2 − 1/2^n, क्लियर कर लो ये। और इसी तरीके से दूसरे वाले से 3^n कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 − 1/3^n होल डिवाइडेड बाय, सेम यही फंडा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 2^n बाहर निकालता हूँ तो 1 − 1/2^n उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे 3^n कॉमन आउट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, 3 − 1/3^n, ओके। ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं, सिंपली यहाँ से 2^n कॉमन आउट ले लो, यहाँ 3^n और ऐसा ही डिनोमिनेटर में, ओके। ऐसा करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास क्या मिलेगा, ओके, सिंपली बाय डूइंग दैट हियर वी विल गेट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन विल बी इक्वल टू, देखो ये है ना, ये भी तो होता है ना, अगर मैं बोलूँ a^n इंटू b^n जनरल फॉर्म में a × b^n, उससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 = 6^n 2 − 1/2^n इंटू 1 − 1/3^n, ठीक है। सिंपली डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग 6^n 1 − 1/2^n इंटू दिस 3 − 1/3^n, दिस गेट कैंसल, ओके। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अब किसके फॉर्म में हो गया, 2 − 1/2^n इंटू 1 − 1/3^n होल डिवाइडेड बाय 1 − 1/2^n इंटू 3 − 1/3^n, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन किसका हो गया बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन यू एन प्लस वन अपान यू एन का हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसका हो गया, यू एन प्लस वन अपान यू एन का हो गया बस। तो जैसे यू एन प्लस वन अपान यू एन के एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक उसी समय पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके। सो फाइनली अप्लाइंग लिमिट, ठीक है बच्चों, फाइनली अप्लाइंग लिमिट। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा अब, तो लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, है ना, इक्वल टू क्या, तो पूरे एक्सप्रेशन में दिस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 − 1/2^n इंटू 1 − 1/3^n होल डिवाइडेड बाय 1 − 1/2^n इंटू 3 − 1/3^n, ओके। तो मैंने क्या बोला, 1/n बोलूँ या 1/n का फंक्शन बोलूँ, राइट, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है तो डेफिनेटली वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग दिस लिमिट वी विल गेट हियर व्हाट, 2 − 0 1 − 0 डिवाइडेड बाय 1 − 0 एंड दिस 3 − 0 सिंपली इंप्लाइज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। और स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 क्या है बच्चों, आराम से देखो, 2/3 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिकली 1 से छोटा होगा, है ना, 2/3 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर रूट अपने आप 1 से छोटा होगा, राइट, सो दिस सिंपली लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन हियर, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला बच्चों यहां पे, सो हियर द फाइनल कंक्लूजन इज, यहां पे क्या निकला अपने पास,
So this simply implies limit n tending to infinite un plus 1 upon un is less than 1. So by D'Alembert ratio test, है ना, test का नाम लिखना जरूर है ना. So by D'Alembert ratio test, the given series is convergent. ठीक है, तो the series is convergent, right? Series is convergent. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन दो. ठीक है ना, दो क्वेश्चंस हो गए, ध्यान से देख लो. अब नेक्स्ट में एक थोड़ा सा बढ़िया क्रूशियल क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन में बच्चे एक जगह पे आके थोड़ा सा गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना. तो ये अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी है, और उस जगह को, उस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा जहाँ पे आपसे गलतियाँ होती है ना, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना बच्चों. सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. अगेन क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1² + 2² × x + 3² x² + ……. है ना, इस सीरीज के कन्वर्जेंस की बात हमें करना है. ओके राइट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, सो हियर इन सॉल्यूशन सबसे पहले तो nth टर्म की बात करेंगे, राइट, आराम से. ठीक है, nth टर्म की बात करते हैं. अपन nth टर्म में क्या है, यहाँ पे 1² 2² 3² फिर से रिकॉल करो बच्चों. अगर हमें 1, 2, 3 दिया है, उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे भी पहले तो n, 1, 2, 3, फिर से बोल रहा हूँ 1, 2, 3 के कारण n, और हर जगह क्या लिखा है, स्क्वायर, तो n स्क्वायर. ठीक है, और इसमें अब देखना थोड़ा सा x के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बच्चों, है ना, नहीं गलती हो जाएगी. यहाँ पे x है ही नहीं है, मतलब x की पावर 0, ये x की पावर 1, x का स्क्वायर, यानी x के पावर और 1 के पावर में बहुत डिफरेंस है बच्चों. तो अगर यहाँ n स्क्वायर है, 1 है यहाँ पे, तो x की पावर 0, मतलब x की पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी n माइनस 1. अगर नहीं समझ में आया, मैं इसको थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ. देखो, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स रेस टू दी पावर 0 लिखा है, यहाँ पे एक्स रेस टू दी पावर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ……, है ना. तो आप 0, 1, 2 का nth टर्म ले लो, तो 0, 1, 2 का nth टर्म क्या हो जाएगा, 0 + n-1 × 1, है ना, APGP का फार्मूला अप्लाई करके, तो ये n-1, राइट. इसलिए यहाँ पे एक्स रेस टू दी पावर क्या हो गया, n-1 हो गया. तो ये तो हमारा nth टर्म था. ठीक है बच्चों, जैसे ही nth टर्म मिल गया, ठीक उसी समय पे n+1th टर्म क्या हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, अगेन n+1th टर्म. सिंपली n+1th टर्म मीन्स व्हाट, सिंपली रिप्लेस n+1 इन प्लेस ऑफ n. तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर व्हाट, n+1 − 1, मीन्स हम बात करें तो n+1² इंटू एक्स रेस टू द पावर n. दिस इज वैल्यू ऑफ un+1, है ना, ये किसकी वैल्यू हो गई, un+1. ठीक है, तो मुझे un मिल गया, un+1 मिल गया, तो अगला मेरा काम क्या है, लिमिट अप्लाई करना है ना. ठीक है, ओके, सो जैसे ही मैं अब लिमिट अप्लाई करूंगा यहां पे, है ना, राइट. तो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो हियर अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un+1 upon un की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना, राइट, इसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un+1 की जगह पे n+1 होल स्क्वायर x रेस टू द पावर n अपॉन un की जगह पे क्या, n स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर n-1, है ना. ये देख लो, इस बार डायरेक्ट था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना, विदाउट एनी टेंशन. ठीक है, एनी प्रॉब्लम. चलो ओके, अब मैं इस लिमिट को सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, राइट. इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ओके देखो इधर, तो अगेन दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, मैं लिख रहा हूं बच्चों
है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एन का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपान एन का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई, एक्स रेस टू दी पावर एन अपान एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा, है ना, सिंपल एक्स बचेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना, ये बताने की बात नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन में हो आप लोग, बट फिर भी देख लो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली दिस विल बी एक्स, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन अपॉन इन्फाइनाइट जीरो, वन का स्क्वायर वन, तो वन इंटू एक्स टोटल क्या हो जाएगा, एक्स। तो देखो बच्चों, हम गलती क्या करते हैं, हम यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस एक्स के बारे में सीरीज में कुछ भी नहीं बोला है कि एक्स पॉजिटिव है निगेटिव है या क्या है, तो ठीक है, जो भी एक्स हो, मुझे तो अगर मैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे तो केवल इतना पता है कि मेरा ये पूरा फार्मूला, अगर ये पूरा फार्मूला वन से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, वन से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना, और वन के बराबर है टेस्ट फेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा लास्ट वाली लाइन पे जोर दूंगा कि वन के बराबर है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ये तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलता है, लेकिन किसकी वैल्यू, यू एन प्लस वन अपन यू एन की वैल्यू अगर वन के बराबर आ जाए तो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे गलती करते हैं पंजाली, थोड़ा सा सुनो। तो मेरा पूरा जो अब रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट किसके ऊपर हो गया, बेस्ड एक्स के ऊपर, तो सिंस मेरा पूरा रिजल्ट एक्स के ऊपर बेस्ड हो गया, इसलिए मैं अब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा केस। तो सबसे पहले केस फर्स्ट दो मिनट के लिए मान लो कि मेरा एक्स जो है वन से बड़ा है, केस फर्स्ट में मैंने मान लिया एक्स वन से बड़ा है, और जैसे ही एक्स मेरा वन से बड़ा है, ठीक उसी समय पे, है ना, ये किसकी वैल्यू थी एक्चुअली, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू थी एक्स, राइट, देख लो ये सॉल्व किया तब ये आया, राइट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी दिस यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की पूरी वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, वन से बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही वन से बड़ी हो गई पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक उसी समय पे बाय अप्लाइंग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द होल सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना, ठीक उस समय पे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की मदद से पूरी की पूरी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। ये केस फर्स्ट था, ठीक है बच्चों। केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड में इफ दिस एक्स इज लेस देन वन, केस सेकंड में अगर एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू अगर वन से छोटी है, कहने का मतलब पूरा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा लिख रहा हूं इस बार, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की पूरी वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, है ना, क्योंकि ध्यान रखना ये एक्स किसकी वैल्यू है, सिंपली लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू है, तो जैसे एक्स वन से छोटा होगा ये पूरा का पूरा रेशियो भी क्या हो जाएगा, वन से छोटा हो जाएगा, तो अगेन सेम स्टेटमेंट में हम क्या लिख देंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट, क्या हो जाएगी, सीरीज है कन्वर्जेंट बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इस बार सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। ओके बच्चों, जो मैंने बोला था शुरुआत में, बोला था कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, गलती यहाँ पे होती है। अब ये जो केस थर्ड आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा इसको ढंग से सुनना, राइट, यहाँ पे आपसे थोड़ी सी क्या गलती हो जाती है, मैंने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, राइट, गलती कैसे हो जाती है, देखो केस थर्ड इफ एक्स इक्वल टू वन, अगर एक्स इक्वल टू वन है तो बच्चा क्या सोचता है, एक्स वन है तो मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू वन हो गई, मतलब टेस्ट फेल हो गया। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना बच्चों, राइट, थोड़ा सा इत्मीनान से रुकना और सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, केस थर्ड में अगर एक्स इक्वल टू वन है तो बच्चा क्या सोचता है कि भैया अरे एक्स इक्वल टू वन हो गया, मतलब ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू वन हो गई, मतलब टेस्ट फेल हो गया। नहीं, सॉरी, एक्स इक्वल टू वन अगर है तो ये nth टर्म में जाके वन हो जाएगा बच्चों, nth टर्म में जाके वन हो जाएगा, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा आपका nth टर्म, याद रखिए इस केस में आपका nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, क्या थी सीरीज अपनी,
अपनी सीरीज क्या थी, है ना, आराम से अपनी एक्चुअली एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन, और अगर एक्स वन हो गया, है ना, मैं एनथ टर्म में रखूंगा हमेशा, एक्स इक्वल टू वन की वैल्यू कहाँ पे रखूंगा, एनथ टर्म में रखूंगा। अगर एक्स मेरे पास वन हो गया तो मेरा एनथ टर्म क्या हो जाएगा इस बार बच्चों, एन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान सुन लो, जैसे ही एक्स इक्वल टू वन हो गया ठीक उसी समय पे एनथ टर्म क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी सिंपली व्हाट, एन स्क्वायर। ध्यान से सुनना, राइट, ओके। और जैसे ये हो गया तो क्या करेंगे हम, तो दिस अगेन सिंपली इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये पूरा का पूरा एन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप यूएन ले लो, यूएन आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा, है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूएन यानी एनथ टर्म अगर जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, तो सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। फर्स्ट लेक्चर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का देखना बच्चों, राइट, तो क्या हो जाती है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहां पे भी अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेता हूं डायरेक्ट एन स्क्वायर में, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर, और डायरेक्ट ये अप्रोच करेगा किसके बराबर, इनफाइनाइट। तो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, इनफाइनाइट जीरो हो नहीं सकता, सो बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं दोबारा, यहां पे हम गलतियां करते हैं, यहां पे स्टूडेंट से गलती होती है, है ना, वो जनरली क्या करता है भैया, एक्स इक्वल टू वन है ना, तो किस में अप्लाई कर देता है, वो यू एन प्लस वन अपन यू एन में अप्लाई कर देता है। हमें ऐसा नहीं करना, राइट, हमें तो केवल एक्स इक्वल टू वन किस में रखना है, सीरीज के एनथ टर्म में रखना है, फिर उसमें लिमिट अप्लाई करना है, राइट। अगर लिमिट की वैल्यू बाय बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर, अगर लिमिट की वैल्यू जीरो हो गई तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर जीरो के अलावा कुछ भी हुई तो डाइवर्जेंट। तो कहने का मतलब पूरी सीरीज में क्या केस मिला, कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज यहाँ पे कन्वर्जेंट है अगर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, और ठीक है सॉरी, सीरीज डाइवर्जेंट है अगर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी या बराबर है, और सीरीज कन्वर्जेंट है अगर एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है ना। दोबारा देख लो, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी या बराबर है तो हमारी पूरी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर ठीक है वन से छोटी है तो पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसके और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये पूरा इसके बेस्ड आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज का, है ना, इसको ध्यान से देख लेना, राइट, ओके बच्चों, थैंक यू।